नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय सवाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों 28 सितंबर 2023 को डायनासोर जो है वो बॉक्स ऑफिस पे आने वाला था, लेकिन शायद डायनासोर को जेल में बंद कर दिया है क्योंकि सालार द सीज फायर पार्ट वन इसकी जो रिलीज है वो पोस्टपोन हो चुकी है। और अभी ये मूवी ऐसे कहा जा रहा है कि दिवाली में यानी कि नवंबर के एंड में शायद हमें दिखाई देगी और मे बी ये क्लैश करेगी सलमान खान और कतरीना कैफ के टाइगर 3 के साथ। काफी सारे जन एक्साइटेड थे क्योंकि एक ही महीने में दो दो बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज आने वाली थी। जवान तो अभी बॉक्स ऑफिस पे कहर ढा रही है, लेकिन सितंबर के एंड में फिर एक बार एक फेस्टिव का माहौल हमें देखने मिलता था, खास करके तेलुगु इंडस्ट्री में, क्योंकि तेलुगु और कन्नड़ में भी, क्योंकि प्रशांत नील का भी एक अलग फैन फॉलोइंग है, सालार का और KGF का कनेक्शन ऐसे भी काफी रूमर्स है, तो वो एक्चुअल में कनेक्शन है क्या ये देखने के लिए भी ऑडियंस जो है वो थिएटर में नो डाउट जाती थी। और प्रभास का भले अभी नॉर्थ बेल्ट में उसका थोड़ा प्रभाव जो है वो कम हुआ हो, लेकिन फिर भी तेलुगु इंडस्ट्री में प्रभास को अभी भी कोई टक्कर नहीं दे सक रहा है। और मेन थिंग है सालार का जो US में बॉक्स ऑफिस ओपन हुआ था वो ऑलरेडी आई थिंक जवान से भी काफी आगे है या नहीं मुझे पता नहीं, काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स सालार का एडवांस बुकिंग में मिला है। तो ये सब इतना अच्छा होने के बावजूद क्या ऐसे रीजंस है कि सालार जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है? तो ऐसे कहा जा रहा है कि उसके पीछे ये रीजंस है कि ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा VFX शॉट्स की डिलीवरी ना होने के कारण प्रशांत नील ने डिसाइड किया है कि बाबा मूवी को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि VFX का काम ऑलमोस्ट 10 कंपनियों को दिया गया था, 10 में से एक कंपनी के पास काफी ज्यादा लोड था काम का, तो वो ओवरलोड की वजह से वो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 300 VFX शॉट्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। और अगर एंड मोमेंट तक वो कर भी देती थी शायद 15 या 20 तारीख तक, फिर भी इतनी बड़ी लेवल पे जितने बड़े स्क्रीन्स या जितने प्रिंट्स इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं उतने लास्ट मोमेंट पे पूरा केओस हो जाता था और वो लोग जो प्रशांत नील का विजन है वो हमारे सामने डिलीवर नहीं कर पाते थे। इसलिए प्रशांत नील ने डिसाइड किया कि बाबा छोड़ दो, इससे अच्छा है कि अपन पोस्टपोन करते हैं और अभी एडवांस बुकिंग जो US का है उसका क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं। और रूमर तो ऐसे भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स और फिल्म मेकर्स के बीच काफी अनबन हुई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स का कहना है कि ये सरार के राइट जो है वो काफी महंगे बेच रहे हैं और हम लोग इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खास करके प्रवास का जो अभी का परफॉर्मेंस है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस का वो ध्यान में रखते हुए। तो उसके ऊपर भी काफी सारा डिबेट चालू है, राइट प्राइस क्या है इसके ऊपर फिल्म मेकर्स भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स भी सोच रहे। हालांकि ये जो सेकेंड वाला है वो सिर्फ अभी तक एक रूमर है, उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन किसी भी प्रकार का नहीं दे रहा। एनीवेज दोस्तों, कुछ भी रीजन हो अभी थोड़ा डिले तो हमें झेलना पड़ेगा और आशा करते हैं नवंबर में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा वो एक्चुअल में वर्थ वॉचिंग होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको सलार के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए होगी तो ये वीडियो के थ्रू आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।